हेलो दाई, सबका स्वागत है। वेलकम टू दी दून लाइव। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे यूट्यूब में वीडियो 8-9 साल से बना, थोड़ा बजा लेता हूँ। ओ पागल हो गया क्या? कंटेंट होता है बेसिकली पब्लिक से रिलेटेड होता है, तो पब्लिक में हम क्या अपनी क्या क्या वैरायटी ला सकते हैं उसी के हिसाब से। भाई, मारो। मैं माँ की कसम खा के कह रहा, मैं कभी ऐसे काम भाई हाथ मत जोड़ो, मुक्के मारो मेरे। तो अच्छा, जैसे आप ये प्रैंक वीडियोस करते हैं, ये आपकी स्क्रिप्टेड बेस होती है या आप बस जाते हैं और शूट करना शुरू? कट करो इसे, कट कर देना। हेलो नमस्ते केम छो, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनुराधा सिंह और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल देहरादून लाइव पे। सबसे पहले तो अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार हमारे साथ जो हस्तियां मौजूद हैं उन्हें दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की या देहरादून की जनता को ये बताने की ज़रूरत है कि ये दोनों कौन है। जी हाँ, ये है आपके अपने मनपसंद झोपड़ी के जो क्रिएटर्स हैं, यस, यानी कि अंकित माल ठाकुर एंड मोहित रतूरी, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि झोपड़ी के ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन लोगों ने सोचा कि हाँ एक यूट्यूब पे हम कंटेंट क्रिएटर बने, कैसे इन्हें लगा कि हमें इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, कैसे इनको सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको कितना इंतज़ार करना पड़ा एक जो पूरी इनकी फैमिली है 1 मिलियंस की, उसको बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों के बारे में जानना चाहूंगी कि आप दोनों बेसिकली कहाँ से हैं और कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिले। तो मोहित, पहले आप अपने बारे में। बेसिकली मैं उत्तराखंड से ही हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अंकित, व्हाट अबाउट यू? बाकी वैसे तो मैं मुरादाबाद से था, यूपी से, लेकिन फिर स्टडी के बाद मैं देहरादून आ गया था। ये यूपी वाले भैया, हमको यूपी वाले भैया से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमको तो। देख रहा है, नहीं उत्तराखंड वालों से भी लग रहा है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो मोहित, आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई, कहाँ मिले आप? हम बेसिकली मिले थे ग्राउंड में। अच्छा। मैं गिटार लेके गाना गा रहा था, हमारे घर के बाहर एक नहर है, वीडियो बना रहा था मैं, तो वहाँ पे ही आया, कह रहा कौन है क्या है, तो वहाँ से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई और फिर चलो चलो हो गया। वहाँ से आप लोग को लगा कि बस इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। ये बैठ के गा रहा था, मैंने कहा भाई अच्छा गा रहा है, नॉर्मली जा रहा था वहाँ से, तो मैंने कहा अच्छा है। तो फिर इसने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, नया नया आया था, तो ऐसी दोस्ती वगैरह बन गई। दोस्ती के बाद फिर कब आपको लगा कि हम एक YouTube जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर अपना कुछ शुरुआत कर सकते? शुरुआत का तो ऐसा क्या था, जैसे मतलब बचपन से ही था, मतलब पढ़ाई में तो मैं अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल ही बेकार था, लद्दड़ कह सकते हो आप। और बाकी फिर एक सामने मुझे YouTube ही दिखता था अपनी सिंगिंग और YouTube, और बाकी फिर बस वही, जैसे स्कूल स्कूल में भी थोड़ा बहुत गालियाँ करता था तो उसमें वाहवाही हो जाती थी, 40 बच्चों में से मैं अकेला दिख जाता था, हाँ भाई, तो लगता था कि हाँ भाई इसमें ही कुछ हो सकता है, पढ़ाई में तो क्या ही करूँगा, तो बस मैंने कहा चलो फिर इसमें। मोहित, आपका क्या था, आप भी क्या सोशल मीडिया पर ही अपना कुछ करना चाहते थे या कुछ और ड्रीम था? करना कुछ नहीं चाहता था, बस हो गया। हाँ। मतलब कुछ नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऐसा बनूंगा? वैसे आर्मी में जाने का सोचा था। ओके। सारे उत्तराखंड वाले यही सोचते हैं, पहली सोच तो यही होती है। सही बात है, ये देखिए ये बात इन्होंने बहुत सही कही है कि मैं आपको वैसे भी बता दूं कि आर्मी में जो अधिकतर जो युवा जाते हैं वो उत्तराखंड से ही जाते हैं, और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो देश सेवा में अपनी सेवा देना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए तो मैं उत्तराखंड वालों को सलाम करती हूँ। और फिर से हम आप दोनों के पास आते हैं, तो जैसे आप दोनों ने बताया आप दोनों मिले, फिर आपको लगा कि नहीं हम चलो यूट्यूब पर ही कुछ करते हैं, आपने फिर चैनल का नाम झोपड़ी के ही क्यों रखा, और भी अदर क्रिएटिव आप रख सकते थे झोपड़ी के? ये एक्चुअली तीसरा नेम था हमारा, पहले हमारा A to Z था, फिर टीम क्रशर, दून क्रशर, हमने बहुत नाम रखे, फिर झोपड़ी के करा। कितने साल पहले आपने शुरुआत की? वैसे तो ये चैनल हमने 1.5 साल पहले से वाले रेगुलर हुए, लेकिन वैसे यूट्यूब में वीडियो 8-9 साल से बना रहा हूँ। 8-9 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर आप 1.5 साल पहले से हुए? रेगुलर पहले भी था, लेकिन फिर वो थोड़ा बीच में पबजी आ गया, पबजी खेलते हैं। ये पबजी वाला है क्या? पबजी वाले हैं, पबजी खेलते हैं। चलिए ठीक है, तो
जब आपके पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है भाई, इंडियन पेरेंट्स, मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले इनका कुछ एम होता है तो ये होता है कि भैया गवर्नमेंट जॉब करो, करनी है तो कुछ अच्छा करो, ये सब नाच वाच के गा वा कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग को भी कुछ ऐसा सुनने मिला? नहीं, मुझे कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। नहीं, एक्चुअली क्या, मेरे पापा भी गाते ही थे और बाकी जब मैं गाता था तो बाकी वाहवाही तो होती थी, तो घर से भी बिल्कुल पूरा सपोर्ट, एकदम फुल सपोर्ट। तू गा बेटा, जो करना है कर जिंदगी में। पहली बार सुनने की यूपी पेरेंट्स कह रहे होंगे भैया जो करना है कर लो, हमको तो कह रहे थे कि कुछ करो ढंग का। और आपका क्या है? नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब पेरेंट्स ने कुछ ऐसा नहीं कहा, कभी कुछ ऐसे फाउंडेशन नहीं की कि क्या है ये सब, क्यों कर रहे हो फालतू की चीजें, पढ़ाई लिखाई कर लो, आईएएस वाईएएस बनो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, देश का नाम। यही था कि मेहनत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है ये सो वो। तो अभी भी जब हमारे 1-2 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब भी घर वाले कहते थे कि हाँ यूट्यूब को सेकंड टाइम रखो, फर्स्ट टाइम कुछ और प्रायोरिटी दो, किसी और चीज़ को, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब था। बट अब इतना कुछ कहते नहीं है, बात है, अब क्यों कहेंगे, अब तो अच्छा खासा है सब कुछ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से आप वीडियोस बनाते हैं, सबसे पहले आप किस तरीके के वीडियोस जो है वो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आपको आता है कि हाँ ये कुछ नया हो सकता है या किस नया हम ला सकते हैं? बाकी जो हमारा कंटेंट होता है बेसिकली पब्लिक से रिलेटेड होता है, तो पब्लिक में हम क्या अपनी क्या क्या वैरायटी ला सकते हैं उसी के हिसाब से बनाते हैं। मतलब आप ये सोच के चलते हैं कि यूथ को क्या पसंद आएगा तो मुझे जी, और बाकी जो ट्रेंडिंग होता है या जो भी आ रहा होता है उसमें उसी में कोई नींबू निचोड़ के कर देते हैं। तो अच्छा, आपका जो एक कंटेंट है भिखारी वाला कंटेंट बहुत फेमस होता है भाई आपका, और सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है। थोड़ा बजा लेता हूँ, एक बार दे दो भैया, हो गई उसको, तोड़ दिया इसने, फिर मैं क्या करूंगा? नहीं तोड़ेगा, आप यहीं बैठ के बजाओ, तोड़ेगा तो नहीं ना। ओ पागल हो गया क्या? भाई अब शायद मेरी शक्ल भिखारी वाली लगती है ना, तो ज्यादा पसंद आता है, एक भिखारी और एक तोतला, तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है भिखारी भिखारी करो, मतलब ये है भिखारी वाला हम कभी भी डाल लें, वो चलता ही है। बिल्कुल, तो एक बार तोतली आवाज हाय करना। हेलो दाई, थपका स्वागत है, वेलकम टू दी दून लाइव न्यूज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तब तो चलिए अच्छी बात है। हाँ जी बताइए। तोतले की अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत ही खतरनाक। तो अच्छा, जैसे आप ये प्रैंक वीडियोस करते हैं, ये आपकी स्क्रिप्टेड बेस होती है या आप बस जाते हैं और शूट करना शुरू करते हैं? गजब बेइज्जती है, कट करो इसे, ये क्वेश्चन मत डालना, ये कट करो इसे। नहीं बट हम जानना तो चाहेंगे कि क्या होता है। तो बाकी जो भी कोई बकरा या होता है तो उसे फंसाते हैं। बताओ भाई, देखो तुम 500 रुपए कब दे रहे? कुछ दिन क्या बोलते हैं, तुम दुकान में आए थे? अरे पहली बार आ रहे हैं। बाकी फिर बाद में बता देते हैं कि वीडियो बना रहे थे, और बाकी फिर ऐसा नहीं कि सीधे अपलोड कर दी, पहले पूछते हैं सामने वाले से अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो नहीं करते, किसी को दिक्कत नहीं है तो कर देते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, मैंने देखा आपके वीडियोस में इतनी सारी खूबसूरत हसीनाएं होती हैं, तो कभी किसी हसीना ने कुछ ऐसे पीछे पड़ गई होंगी, नहीं मुझे तो बस तुम ही शादी करनी है वरना मैं जहर खा लूंगी? हसीना का क्या है वैसे, बस वो कोई नहीं, मुस्कान की चमकान देख रहे हो लड़की की, इन सबसे बहुत ज्यादा दूर, इन सबसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर। तभी यार सक्सेसफुल है। चलिए अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं कि आगे क्या प्लान है आपका, अभी आगे यही कंटिन्यू रखना है या क्या सोचा है अभी आगे? जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि नहीं यार फ्यूचर में कुछ तो करना पड़ेगा, तभी भी बच्चे पाल पाएंगे, तो क्या चल रहा है आगे? ऐसा है ना, जैसे थोड़ा सा करते हैं फिर आगे रास्ते अपने आगे दिखते हैं। अब जैसे यूट्यूब में मैं था, मेरे को पहले इतना पता था कि मैं गिटार बजाना है, कैमरा खोलना है, ऑन करना है, बस हो जाएगा, इतना आगे का मैं नहीं सोचता था। अब मैं यूट्यूब बनाई, अब यूट्यूब में 1 मिलियन हो गए, अब मुझे नहीं पता था इंटरव्यू होगा, तो आज इंटरव्यू भी हो रहा है। तो ऐसी धीरे 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 रास्ते खुद खुलते आते हैं, अभी मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जो भी होगा अच्छे होगा। मोहित, आपके फुल टाइम ही कर लिया यूट्यूब अब तो, कुछ और सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट में यूट्यूब को ही रख दिया है। मतलब अंदर से आते हैं कि बस इसी के लिए बने और यही करें, अब यही करना है, बने नहीं थे इसके लिए, अब बन चुके हैं। हाँ। सी बात है, जैसे हम पत्रकार हैं तो हमें लगता है नहीं भैया यही कर सकते हैं सबसे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक ऑफिशियल गाना आ रहा है बहुत जल्द, तो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। तो बताइए कुछ उसके बारे में। अभी तो खैर अभी रिकॉर्ड ही करा है, अभी हो रहा है लोन, धीरे धीरे बताते हैं। मोरे सैया नाम है सॉन्ग का, इतना मैंने आज पहली बार बताया है, ये तो हमने अपनी वीडियोस में नहीं बताया। चलिए फिर, ये भाई देहरादून लाइव भाई बड़े चैनल हो गया भाई, बता दिया इन्होंने कि हमारा उसका गाना आ रहा है, ठीक है
चलिए तो अगर मैं आपसे पूछूं तो विकास नगर से आना, अगर मैं बात करूं विकास नगर की, तो देहरादून का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ हम कहें कि एक जगह उसको देखा जाता है, विकास नगर से आना है एंड देन अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है अंदर से? कैसा लगता है भाई मुझे बताना। बहुत अच्छा सा लगता है क्योंकि हमारे विकास नगर में इतने क्रिएटर नहीं है, तो जैसे हम कहीं जाते हैं ना तो बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, हम छुट्टी में जा रहे हैं तो कहते हैं वो झोपड़ी के जा रहे हैं, झोपड़ी के जा रहे हैं, तो वो फीलिंग ना कुछ अलग ही होती है। अब पहले इतना नहीं होता था, बहुत ज़्यादा होने लगा, हम कहीं भी प्रैंक शूट करते हैं वहाँ मिल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, अभी हम रिसेंटली गुजरात गए थे वहाँ बहुत सारे लोग मिले कि भाई ऐसे झोपड़ी के झोपड़ी के, तो बहुत अच्छा सा लगता है, तो वही देख के बहुत ज़्यादा खुशी सी मिलती है। फिर अच्छा लगता है कि भाई गांव से हम बहुत, मतलब देहरादून से तो बहुत 40 किलोमीटर दूर है विकास नगर, इतनी फैसिलिटी नहीं है वहाँ जितनी यहाँ पे, मॉल वगैरह भी नहीं है, तो मतलब अच्छा सा लगता है कि गांव से उठे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि इतने उससे आना और अब आगे बढ़ना, तो जिस दिन आपको पता लगा था कि 1 मिलियन जो आपका है वो पूरी फैमिली आपकी कम्प्लीट हो चुकी है, उस वक्त क्या फीलिंग? रात को सो नहीं पाए, हमें पता था ना इस रात को हो जाएंगे 1 बजे तक 2 बजे तक, तो पूरी रात नींद नहीं आई जब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए। सारे दोस्त भी इंतज़ार में बैठे थे, फ़ोन खोल के बस रिफ्रेश मारे जा रहे कि कब होंगे। फिर हम घूमने भी गए रात को ही 11-12 अप्रोक्स इतना टाइम हो रहा था, फ़ोन करा भाई हो गया आ जाओ भाई, सारे आए फिर हम गए थे। खुशी तो शुरू से ही होती रही, पहले 10,000 हुए, फिर 50,000 हुए, 1,00,000 हुए, फिर मतलब खुशी होती रही, कारवा चलता गया और लोग जुड़ते गए। मैं आपसे पूछूं कि आपका फर्स्ट फैन मोमेंट क्या था, कोई ऐसे फैन आया हो वाओ अंकित तो वाओ मोही था, ओ कैसे ऐसे कैसे कभी हुआ ऐसा? मेरे फैन तो एक्चुअली मेरे घर वाले ही थे, सबसे पहले फैन मोमेंट मेरा वही था, मतलब जो गाता था ताली बजाते थे और बहुत बढ़िया, मतलब तो पापा तारीफ वारीफ करते थे, तो वही सबसे बड़े फैन थे मेरे सबसे बड़े, और मैं भी उनका, खैर उनका भी फैन वही था। बाहर का कोई ऐसा फैन जब आपने पहली बार किसी ने आके बोला आप झोपड़ी के वाले हैं ना, ऐसा में भाई जब वीडियो लेके पीछे पड़ गए थे वो याद है? कब? तुम दो थे, रोहित और तू था, रोहित और तू था शायद, वहाँ हुआ था, मैं नहीं था मौजूद वहाँ पे, ये थे। बता मुझे भाई, तूने तो बताया था मुझे यार। पहला फैन मोमेंट बहुत पहले ही हो चुका है वैसे, मतलब पहले से वीडियोस बना रहा हूँ ना मैं, तो झोपड़ी का ये बताएगा, मैं आपको फिर बताता हूँ बाद में। मैं बताता हूँ क्या हुआ था, ये और अंकित और रोहित ना शूट करने गए थे, मैं पीछे से आ रहा था, मैं कहीं काम में बिजी था, तो एक लड़का इनके पीछे पड़ गया, मतलब पहले देख रहा था इन्हें कि झोपड़ी के तो कैमरा वैमरा लेके इनके पीछे पड़ गया, भाई झोपड़ी के हो, भाई झोपड़ी के हो, इसने कहा ना भाई मैं नहीं हूँ ऐसा वैसा, तो कह रहा भाई तुम्हारे जैसा लग रहा है, ये कह रहा नहीं मेरा भैया है बड़ा भैया ऐसे ऐसे करके, उसके बाद बहुत मजाक किया कि नहीं है नहीं है, फिर बताया इसने, बहुत खुश हो गया कि भाई कि अच्छा आप यहाँ से हो, कि मुझे पता नहीं था, हम डाक पत्थर में थे एक्चुअली, तो वो हिमाचल से था शायद कहीं वहीं का था, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ से हैं, तो बहुत खुश हुआ भाई। फिर लोग जैसा प्यार देते हैं और मतलब जो खुश हो जाते हैं ना देख के, वो अलग ही फीलिंग, मतलब अलग सा ही फील देता है। हाँ, अभी रिसेंटली जन्माष्टमी का फंक्शन था, हम मंदिर में बैठे हुए थे, तो एक छोटा बच्चा नॉर्मली 12-13 साल का होगा, तो वो शॉक हो गया, मतलब उसकी सांसें भी नहीं आ रही थी, ऐसे होता है ना, वो ऐसा रिएक्शन था उसका कि भाई हाँ मिल गया ऐसा वैसा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल जाहिर है, जब इतना प्यार मिलता है तब और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक करियर चूज़ किया, तो अगर मैं बात करूँ इस प्लेटफॉर्म की, तो जल्दी कामयाबी हाथ नहीं लगती है, कभी बीच में ऐसा लगा कि यार बहुत बकवास हो गई अब बंद करते हैं, कुछ सीरियस हो जाते हैं लाइफ में, कभी ऐसा लगा कोई? मैम अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, हमारे साथ भी होता है, कभी हमारी रीच काफ़ी अच्छी होती है, कभी डाउन हो जाती है, बट हम ये नहीं सोचते, हमें काम करना है तो करना है, हमें ये नहीं देखना उससे फल क्या मिल रहा है, बस करते रहना है, फल तो एक दिन खुद ही मिल जाता है, जैसे अभी मिल चुका है। बिल्कुल, तो देखिए कितनी अच्छी लाइन बोली है, इस एज में इतना पेशेंस लेवल होना और इस तरीके का हम कहें कि एक विचार रखना, यही जो कामयाबी है, यही चीज़ें आपको आपकी कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। तो जाते जाते आप यूथ से और ऐसे लोगों से क्या कहेंगे कि जो यूट्यूब पे या फिर हम कहें कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं और अपना करियर चूज़ करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या आप उनको एडवाइस देंगे? मेरी तो खैर ये एडवाइस है, अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी सोशल मीडिया में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो पहले से ही एक वो मत बनाओ कि भाई आज मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, कल मेरे पास इतना पैसा होगा, ये होगा वो नहीं होगा, पहले से सेट मत करो, धीरे धीरे खुद होगा, जितनी मेहनत करो, दिल से करो, अपने आप करो, बस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, वो भी मैं इससे सीखा हूँ।
तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो झोपड़ी के थी उनकी पूरी टीम थी, अंकित हैं, मोहित हैं, और यहाँ पर उनके जो बैक कैमरा काम करते हैं, मैं उनसे भी एक बार आपको मिलाऊंगी, क्योंकि टीम टीम होती है, टीम के बिना कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो एक बार आप उनसे भी मिलिए। क्या नाम है आपका? एंड यू? बिल्कुल। तो कार्तिक, रोहित और इनकी जितनी भी टीम है, सबसे पहले तो उन सबको बहुत सारी बधाई हमारी तरफ से कि आपकी 1 मिलियन फैमिली हुई। आप आगे ही ऐसे और ज़्यादा बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे यूथ को ये मैसेज देने के लिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर पेशेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे कि मोहित ने कहा डेडिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और फिर बीच में आपने को लगा कि नहीं हो पा रहा है तो आप वहीं पे छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। इंतज़ार करिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही और भी जो क्रिएटर्स हैं, उत्तराखंड का टैलेंट है, उनसे हम आपसे मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।